बहुत पुराना चर्च है ये। वहाँ अभी आप जा रहे हैं शाहरुख भाई के घर। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अभी बज रहे रात के 11:10। आज दोपहर में मैं कुछ ज्यादा ही सो लिया तो नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना चलो गेड़िया मार के आते। तो मैं राजू निकल गए गेड़िया मारने के लिए, और निकल तो गए बट जाएंगे कहाँ। हाँ, एक चीज तो है, मुंबई में अगर आप कार्टर रोड और बैंड स्टैंड घूमते हो ना, अलग ही मजा है भाई। अगर आप सैटरडे जाओगे ना तो इतना सही लगता है कि क्या बोलू, बस थोड़ा क्राउड रहता है, लेकिन वो भी एक अलग ही मजा है। सैटरडे संडे का वहाँ का एक अलग ही मजा है। और पता नहीं वीडियो में दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये नाक दिख रही मेरी। यहाँ पे एक्चुअली मुझे हुआ था सर्दी, तो मैं ऐसा भाप लेने के लिए कारवोल डाला गर्म पानी में, और उसके बाद भाप लेने के लिए ओढ़ लिया चादर, और उसके बाद चटका लग गया और बहुत गंदा दिख रहा है अभी ये। आज जिम गया था तो सब लोग यही देख रहे थे, अरे क्या हुआ भाई, कैसे लग गया। सबको एक ही चीज़ बताते बताते थक गया। तो भी लास्टी के यहाँ जाएंगे, लास्टी को भी उठा लेंगे, क्योंकि लास्टी रात भर जागती रहता है। लास्टी सोता नहीं रात में, सोता दिन में, जागता रात में, उल्टा है सब। तो चलते पहले लास्टी के यहाँ। 1 hour later अभी रात के 12 बज गए और लास्टी भाई ने 1.5 घंटा लगा दिया आने में। क्या कर रहे थे भाई तुम? सच्ची खाना सच्ची बना रहा था भाई, खाना बना रहे थे, बोले खा के आता हूँ 10 मिनट में, 10 मिनट बोल के 1 घंटा लगा दिया भाई। पहले खाना बना रहा था ऐसा कौन खाना बना रहा है भाई, कड़छी चला रहा था। अच्छा। यार कैसी बात करते हैं। और इधर अपने अली भाई बैठे हैं, तो अभी हम लोग हैं कुर्ला में। इनको तो आप लोग जानते ही होंगे, रियल आर्टिस्ट नाम के आई फेमस। नहीं आ रहा क्या? गजब बेइज्जती है। जींस तो अच्छा पहने हो यार, रियल आर्टिस्ट भाई आपने। ये कैसा, ये आपने ऑर्डर दे के बनवाया है कि आपके साइज का मिलता है? कोई धुल के रखा था वहां से। लास्टी भाई को खाना था पान। हम लोग आए थे कुर्ला, अब यहाँ से जा रहे बैंड्रा, और यहीं पे हम लोग को 1 बज गया है। इस रात के टाइम बहुत ही पीसफुल लगता है, रोड वगैरह एकदम खाली रहती है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सबसे पहला रेक्लामेशन, रेक्लामेशन से फिर जाएंगे बैंड स्टैंड। यार स्कूटी पे तो नेक्स्ट लेवल ठंडी लगती है यार, ठंडी कम है ना? हमको तो पता ही नहीं चल रहा है। तुम तो जैकेट वैकेट पहने हो ना, तो कहाँ से पता चल। मार दिए जैकेट, खा लिए पैकेट। तो ये है रेकला मिशन, यहाँ पे बहुत अच्छा लाइटिंग वगैरह रहता है, बट अभी दिख नहीं रहा, पता नहीं क्यों आज हम लोग आए तो बंद है, नहीं तो ये बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। तो अभी मैं आप लोगों को एक स्टोरी बताता हूँ। जब हम लोग 2-सीटर कार लेके निकले थे, पता नहीं आप लोग ने वो व्लॉग देखा है नहीं देखा है, अगर नहीं देखे रहोगे तो जाके देख लेना। हम लोग 2-सीटर कार लेके निकले थे और रेकला मिशन से जा रहे थे, तो उस दिन एक चाचा चला रहे थे। उसकी कहानी कैसी लगी भाई तुमको, क्या क्या सी? चाचा का हम लोग ने ना तारीफ कर दी कि क्या चला रहे हो आप, सीधा चाचा ने डिवाइडर ही कुदा दी और डिवाइडर पे पेल दी से, एकदम डिवाइडर पे पेल दी से। मतलब देखे कैसे निकाल लिया, कोई और होता ना तुम लोग नहीं संभाल पाते। बोला हाँ हाँ ठीक है भाई, अरे गलती तुम्हारी है और मदार संभाल नहीं पाते। तो अभी हम लोग हैं बैंड्रा बैंड स्टैंड में, माउंट मेरी चर्च के यहाँ, और अभी रात के बज रहे हैं 1:30। मैं सोचा था 1:30-2 बजे तक आ जाएंगे। यह है सामने माउंट मेरी चर्च, जो कि बहुत ही प्यारा लगता है यहाँ पे। और लास्टी भैया जा रहे हैं स्टोरी लेने। ये है माउंट मेरी चर्च, जो कि बैंड्रा बैंड स्टैंड में है, मुंबई में काफी फेमस है ये चर्च, काफी अच्छा भी बना हुआ है। बहुत अच्छा। पुराना चर्च है ये, है ना, लग तो रहा है। तो ये भी चर्च है, अंग्रेजों के जमाने का चर्च है ये। हाँ क्या अच्छा बनाया हुआ है, लेकिन हाँ बहुत अच्छा दिख रहा है। ब्रिटिश वाले बहुत अच्छी अच्छी चीज बना के गए हमारे इंडिया में, मजबूत बनाया, ऐसा नहीं कि नल्ला बना। वो चले गए लेकिन उनकी चीज बनी हुई अभी तक है। हाँ, दूर भी बना के CST में जितनी चीजें अभी भी है, चीजें तो अच्छी बनाई है ठीक है, लेकिन दूर भी तो बना के गए। अभी हम लोग माउंट मेरी चर्च से निकल गए। माउंट मेरी, माउंट मेरी। और आज तो पूरी रात ऐसे ही निकल गई, मतलब रात के अभी 2 बज गए और हम लोग बस गेड़िया ही मार रहे गाड़ी में। शीशे गाड़ी के बजे नहीं, काली शीशे तो नहीं है भाई, व्हाइट शीशे है हमारे गाड़ी। वहाँ अभी आप जा रहे हैं शाहरुख भाई के घर के बाजू में, घर है वो लिए ले अपन ने, जा रहे उसका मुआयना करने। क्या शाहरुख खान का जो घर है मन्नत, वो यही है। और रात के 2 बजे भी देख लो यहाँ पे लोग खड़े हैं। ये शाहरुख भाई ने जितने लोगों से उधार लेके मूवी बनाई है, उसके वो उधार मांगने के लिए खड़े हैं वो लोग। अच्छा, वसूली करने के लिए खड़े के लिए आए इतने रात के 2 बजे हर एज के बंदे खड़े। फैन फॉलोइंग हो तो ऐसी हो। हाँ लास्टी भाई। हाँ, एक बंदा नहीं पहचाना हमको। अरे तुमको तो सब पहचानते हैं भाई। तो अभी रात के 2 बज रहे थे और अभी हम लोग आए थे बैंड स्टैंड, बट यहाँ पे पुलिस रुकने नहीं दे रही है। तो क्या कहना चाहोगे लास्टी भाई इस बात पे?
मैं तो कहना चाहूंगा लाशी भाई बोल रहे जहाँ समुंदर दिख रहा है वहाँ ब्रिज बांध दे। मुंबई में देखने जैसी कोई जगह थी वो तो समुंदर थी, समुंदर में भी आके मोदी गवर्नमेंट ब्रिज बना दे रहे हैं। हम तो सोच रहे चाय वाय पी ले यार, लाशी भाई को मिलेगा चाय पेट्रोल, तो चाय पीने के लिए हम लोग यहाँ पे रुके हैं। मतलब अभी हम लोग यहाँ बैंड स्टैंड पे पुलिस भगा रही लेकिन कॉफी पीने के लिए रुक गए। लाशी भैया को चाय पीना था लेकिन हम कॉफी पी रहे हैं। राजू को जल्दी पी के रिव्यू दूं तो राजू भी क्या बोलते पिएगा। तो अभी बैंड स्टैंड में हम लोग कॉफी पी रहे थे, यहाँ पे भी पुलिस आ गई भगा रही थी, तो अब सीधा यहाँ से निकलेंगे और हम जाएंगे घर। तो अभी हम लोग पहुंच गए घर और आज बहुत लेट नाइट तक घूमे, अभी रात के बज गए 3। तो ये व्लॉग हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, कमेंट करो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।